नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इंडिपेंडेंस डे स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम एक ही इडली बैटर से तीन तरीके की हेल्दी तिरंगा वैरायटीज बनाने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तिरंगा इडली बनाने के लिए हमें इडली बैटर चाहिए, कैरेट प्यूरी, पालक की प्यूरी। ये दोनों प्यूरी की जगह पर आप आर्टिफिशियल फूड कलर भी ले सकते हैं। यहाँ पर पालक की प्यूरी की जगह आप हरा धनिया और कैप्सिकम की भी प्यूरी बना सकते हैं, सिर्फ धनिये की भी प्यूरी बना सकते हैं, या फिर धनिया और पुदीना की भी बना सकते हैं। यह बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। यदि किसी के बच्चे सब्जियां नहीं खाना पसंद करते, तो इस तरीके से कलरफुल सब्जियों से आप इडली बना के उनको खिला सकते हैं। तो आइए देखते हैं तिरंगा इडली दो तरीके से कैसे बनती है। सबसे पहले हम ऑरेंज कलर के लिए इडली बैटर में कैरेट का प्यूरी मिक्स करेंगे। मैंने इडली बैटर में ऑलरेडी नमक डाला हुआ है, अब कैरेट डाल रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा नमक और डालूंगी। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि पूरी इडली आपकी ऑरेंज कलर की हो जाएगी। अब हम ग्रीन कलर की इडली बनाने के लिए अब इडली बैटर में मैं अब प्यूरी पालक की प्यूरी जो है मिक्स करूंगी। जिस तरीके से हमने कैरेट की प्यूरी मिक्स करी थी, वैसे ही पालक की प्यूरी इसमें मिक्स करेंगे। हल्का सा थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इडली बैटर में नमक डाला हुआ है, सिर्फ पालक के लिए और डाला है मैंने। अब इस तरीके से पालक की प्यूरी जो है अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम सबसे पहले कटोरी इडली बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे तीन कटोरियां ले ली हैं, जिसको मैं सबसे पहले ग्रीस कर लूंगी। सबसे पहले मैं ग्रीन कलर का इडली बैटर डालूंगी। मैंने यहाँ पर तीनों कटोरियों में पालक प्यूरी वाला इडली बैटर डाल दिया है, देखिए। अब हम इसको एक मिनट के लिए स्टीम करेंगे ताकि हमारा बेस सेट हो जाए, तब इसके बाद दूसरी लेयर डालेंगे। यहाँ पे स्टीमर को मैंने 5 मिनट पहले ही ऑन कर दिया था। अब देखिए पानी काफी अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसके ऊपर ये रख देती हूँ, इसके बीच ये वाली कटोरियां रख देती हूँ। अब यहाँ पर इसको हम 1 मिनट तक स्टीम कर लेंगे ताकि हमारा बेस सेट हो जाए, तभी हम दूसरी लेयर डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन वाला मटेरियल हल्का सा सेट हो गया है। अब मैं इसके ऊपर व्हाइट वाला इडली बैटर डाल रही हूँ। देखिए यहाँ पर अब हमने व्हाइट लेयर डाल दी है। 1 मिनट तक स्टीम करने के बाद हम ऑरेंज वाली लेयर डालेंगे। इसको मैं अब फिर से बंद कर देती हूँ। तो आइए देखते हैं हमारी व्हाइट लेयर कैसे सेट हुई है। वाव, कितनी अच्छी सेट हो गई है। इसके ऊपर हम अब ऑरेंज लेयर डालते हैं। मैंने कैरेट प्यूरी वाली इडली बैटर डाल दिया है। अब इसको हम 4-5 मिनट तक स्टीम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी इडली बनके रेडी हो गई है। इसको हम चेक करते हैं। वाओ, यहाँ पे बिल्कुल भी इसके साथ कुछ भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छे से पक गई है। अब मैं स्विच ऑफ कर दूंगी और 1-2 मिनट के लिए इसी में रहने दूंगी, फिर इसको डीमोल्ड करूंगी। तो आइए
देखिए अब मैं तिरंगा इडली दूसरे तरीके से बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने अब इडली स्टैंड की एक प्लेट ली है। सबसे पहले इसको हम ग्रीस करते हैं। तो इस तरीके से आप हल्का हल्का ग्रीस कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं ऑरेंज यानी कि कैरेट प्यूरी वाली इडली मटेरियल डाल रही हूँ। कैरेट प्यूरी वाली इडली मटेरियल डाला है। अब इसके ऊपर मैं व्हाइट वाला प्लेन वाला मटेरियल डालूंगी इस तरीके। इसके ऊपर मैं अब ये पालक प्यूरी वाला इडली मटेरियल डाल दूंगी। तो आइए अब हम इसको 10 मिनट्स तक स्टीम करते हैं। तो देखिए अब मैंने इसको स्टीमर में रख दिया है। 10 मिनट्स तक इसको स्टीम करेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये इडली हमारी बन गई है या नहीं। तो ये देखिए आज हमने तिरंगा वैरायटी में कटोरी इडली, लेयर्स इडली और हमारे देश का झंडा डोसे के रूप में बनाया है। आप इस डिश को डिफरेंट टाइप ऑफ चटनीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि आज मैंने यहाँ कोकोनट चटनी, ग्राउंडनट चटनी और टोमेटो चटनी के साथ सर्व किया है। आई होप आप सबको यह इंडिपेंडेंस डे स्पेशल रेसिपी पसंद आई होगी। आप अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।